नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल में साली में स्वागत है। आज इस वीडियो को मैं शेयर करने जा रही हूँ हरिका तीज की पूजा विधि। देखिए ये पूजा की मेरी तैयारियाँ हैं। ये सिंगार का है, ये फल है, प्रसाद है, और ये फूल माला है, और ये दीपक है। तो बहुत सरल विधि है। तो हरिका तीज की पूजा महिलाएं अखंड सौभाग्यवती के लिए रखी जाती है। ये व्रत जो है कठिन व्रत होता है, ये व्रत निर्जला व्रत रखते हैं। इसके लिए हम पहले ये जो लकड़ी का ये बोर्ड होता है, ये तख्त या बिहरा इसको बोलते हैं, इसको पहले हम शुद्ध कर लेंगे गंगा जल से। और इस पर हम लाल कपड़ा या आप पीला कपड़ा हो तो आप डाल लीजिए, यानी बिछा लीजिए। इसके बाद इस पर हम शिव परिवार की मूर्ति यानी फोटो स्थापित करेंगे हम। तो देखिए स्थापित है, ये हमने स्थापित कर ली है। इसको हम पूरब दिशा की ओर से रखते हैं फोटो, पूरब दिशा की तरफ बैठ के हम पूजा करते हैं। ये लाल कपड़ा बिछाएंगे, बिछा दिए, इसको हम गंगा जल से आचमन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ स्टिक कमल बनाया है चावल से, यहाँ दीपक हमने रख दिया है। गणी गणेश के लिए हमने कसैली, उसमें ये रक्षा सूत्र हमने बांध दिया है। चलिए पहले हम आचमन कर लेते हैं भगवान का। ओम नमः शिवाय भोलेनाथ। हमने आचमन कर लिया, हम बत्ती को जला लेंगे। हम पहले भगवान को ये फूल माला चाहिए, बेलपत्र, और भोलेनाथ को हम पीले फूल और सफेद फूल चढ़ाएंगे, और पार्वती माता को लाल फूल। गुलहर के फूल हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ गुलहर का फूल नहीं मिला तो हमने गुलाब का फूल चढ़ाया। और इनको हम अच्छे से पार्वती माता को हम ये चुनरी चढ़ाएंगे। अब इनको हम फूल की माला पहनाएंगे, ये सुहार बोलेंगे हम। अब इनका हम श्रृंगार करेंगे, चढ़ा लेंगे, और गौरी भगवान को भी हम जल थोड़ा सा अर्पण करेंगे। पहले हम पीले कुमकुम से इनको हम लगाएंगे हर भगवान गणपति बाबा को, फिर भोलेनाथ को, पार्वती माता को हम सिंदूर अर्पण करेंगे। सिंदूर हम बहुत अच्छे से लगाएंगे ताकि यही हम श्रृंगार के रूप में भी ये ले सकते हैं, चढ़ाएंगे तो 7 बार हम लगाएंगे माता पार्वती को। गणपति बाबा को हम ये जनेऊ को अर्पण करेंगे जिसमें हम हल्दी लगा के किए हैं। अब हम रोड़ी चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा रक्षा सूत्र हम अर्पण करेंगे नाम लेके। हे भोले बाबा मार दीजिए। और हमने यहाँ प्रसाद भोग लगाया है, देखिए केला सेब, अभी हम प्रसाद भोग लगा देंगे ये हम गणेश जी के लिए और भोले भगवान के लिए। फिर कुछ दक्षिणा के रूप में हम इनको दर्भ चढ़ाएंगे, आप जितना हो ताकि जी। बहुत सारे तरीके से हम पूजा कर रहे हैं, आप कहीं भी हो अपने घर में भी कर सकते हैं ऐसे। और ये है श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान हम पार्वती जी को चढ़ाएंगे, ये चूड़ी सब श्रृंगार का सामान, और ये हम खुद यूज कर लेंगे। जो बिंदी सिंदूर नेल पेंट जो सा जितना है हम ये माता पार्वती जी को चढ़ा के हम खुद बाद में इसको हम अपना पहन सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से जल अर्पण करेंगे, हमने भोग लगाया फूल चढ़ाया तो फिर आचमन फिर करेंगे हम। अब हम दीपक चुरा लेंगे, देखिए दोस्तों ये हरिका तालिका तीज व्रत कथा का किताब है ये, और ये बहुत पुरानी हो गई है, 25 साल की हो गई है, ताकि कुछ फट गई है ये। तो ये कथा से हम इस किताब से कथा कहते हैं। देखिए यहाँ से हम लिखा हुआ है ना हरिका तालिका तीज कथा,
की तारिका पूजा विधि यहाँ भी लिखी है, ये कथा सब ये हम करेंगे, यहाँ से कथा शुरू है। तो कथा पहले हम ये किताब को कुछ गंगा जल समर्पण करेंगे हम ये, और ये बहुत प्रणाम कर लेंगे इस किताब को, कुछ चढ़ा भी लेंगे, रोड़ी फूल फिर हम इनको प्रणाम करके फिर कथा विधि शुरू करेंगे। और ये किताब कथा पढ़ने से पहले ही बताऊंगी कि ये किताब कहीं भी स्टेशनरी शॉप पे भी मिल सकती है, तो आप जहाँ भी हैं वहाँ भी मिल जाएगी, आप ज़रूर खरीदें और ये कथा ज़रूर पढ़ें पूजा करने के बाद। तो कथा हम पढ़ के फिर आरती करेंगे। देखिए कथा हमारी पूरी संपन्न हो गई है और हम आरती स्टार्ट करेंगे। आरती के लिए हमने यहाँ थाली लगाई हुई है। आरती हमने कपूर की लगाई है, इसको चौन तीन बार करते हैं। तो चलिए हम आरती स्टार्ट कर लेते हैं। आरती जो भी आप आरती गाए वो भी आरती कर सकते हैं। तो हम ओम श्री ओंकार की आरती कर रही हूँ। जय श्री ओंकार। आरती पूरी संपन्न हो गई है और जो हमने माता पार्वती जी को सिंदूर लगाया था वो हम ये लगाएंगे, और ये जो चढ़ा हुआ है वो अभी हम सब नहीं उठाएंगे। सुबह फिर नहा के हम पूजा करके माँ का श्रृंगार करके तब फिर हम श्रृंगार वापस लेते हैं और ये सब अपना हम लेते हैं, यूज करते हैं। तो हम ये जो आपकी पूजा हमारी अब अच्छी लगी हुई है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके लिए हर तरह की शुभ शुभ बड़ी बहुत शुभकामनाएं।